नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण सुरक्षा की, किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और किस कारणों से पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। आज के अंक में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की और उसके कारण और निवारण की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष जी, जो कि भूरी फाउंडेशन से जुड़े हैं। और इस चर्चा में हमारी जो तमाम जानकारी है पर्यावरण और वायु प्रदूषण संबंधित, वो जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद विकास जी, मुझे इस चर्चित कार्यक्रम में बुलाने के लिए, जो कि पर्यावरण है, जो लोगों को आज कल इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ों से प्रदूषण हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं और क्या दिक्कत हो रही है लोगों को समझने में। सबसे पहले मैं चाहूँगा उत्कर्ष जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं वायु प्रदूषण क्या है, किस वजह से जो है वायु प्रदूषण आप दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। वायु प्रदूषण जो है वो हवा में ऐसे प्रदूषित और जानलेवा मिक्सचर होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ जो हमारे ह्यूमन के थ्रू, मानव के थ्रू और कभी कभी नेचर के थ्रू भी जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं, उनके कारण जो दूषित होती है हवा, उसको एयर पोल्यूशन हम कहते हैं। उत्कर्ष जी, अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो आखिर मुख्य स्रोत क्या हो सकता है वायु प्रदूषण का, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप रोशनी डालें। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत दो तरीके से होता है, मानव के थ्रू और हमारे जो नेचर है उसके थ्रू। मानव के थ्रू जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे आप गाड़ी में घूमते हैं, उनसे फ्यूल इमिशन जो आता है, ये सब चीज़ें भी पॉल्यूटेंट्स बन के हवा प्रदूषित करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगते हैं, उसमें से जो प्रदूषित निकलती है हवा, वो भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूट करती है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं चीज़ों से होती है, गाड़ी से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो और अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर में आप देखते होंगे आए दिन कभी ना कभी जंगल में आग लग जाती है, कभी कभी डस्टिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, स्मोक जो हो जाता है वो आ जाता है, ओजोन जो पहले हमारा बहुत ऊपर लेयर में होता था, अब वो जो प्रदूषित होते हैं हवा गाड़ी से जो निकलती है, उन सब चीज़ों से ओजोन क्या होता है वो नीचे की तरह शिफ्ट हो जाता है, उसको हम लोग स्मोक जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली में ओजोन होता है, तो वो भी एक प्रदूषण ही है। जी जी, कई प्रकार के आपने कुछ प्रकार बताए, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण होते हैं, इनकी वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, कई कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत कई, तो मैं चाहूँगा उन चीज़ों पर आप थोड़ा रोशनी डालें। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आप AQI इंडेक्स जो है बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे राज्य की एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ी हुई है, रेड जोन में सारे शहर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य जो है वो इंडिया के टॉप नंबर से पहुँचे हुए हैं, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, बहुत सारे जगहों पे पोल्यूशन जो है इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इन सब चीज़ों का कारण मेनली है कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे धूल उड़ते हैं, पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, एयर इमिशंस, जो फ्यूल इमिशन जो मैंने बोला, फॉसिल फ्यूल्स का इमिशंस हो गया, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उन सब चीज़ों से जो पोल्यूशन निकलते हैं, ये सब चीज़ हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है। आप नोटिस करोगे कि हमारे आँख में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सब चीज़ें तो माइनर है, मेजर बीमारियाँ भी होती है, जैसे लंग्स में बीमारियाँ, हार्ट के BP हाई होना, ये सब चीज़ें भी एयर पोल्यूशन का कहीं ना कहीं ये परिणाम है। उत्कर्ष जी, उपाय की बात की जाए, क्योंकि ये लंबे समय से ये जो प्रदूषण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उपाय की बात की जाए तो किस तरह से हम इस प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं बस इस पे बिलीव करता हूँ, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ और इको फ्रेंडली चीज़ आप यूज़ कीजिए। जैसे वो चीज़ आपके जो लाइक आप गाड़ी की बात करें तो जो डीजल पेट्रोल पे आप गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके जगह आप CNG यूज़ कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ कीजिए, इन सब चीज़ों से फ्यूल इमिशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, तो वो इको फ्रेंडली भी है और आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। आप अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, आप जोड़ना चाहें, तो डीजल पेट्रोल अगर आप डलवाते हैं डेली का डेली, आपके पॉकेट पर भी वो बहुत भारी नुकसान आता है, ऊपर से आपके हेल्थ पर भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं आपके यूज़ के कारण। आप घर में AC लगाते हैं, ओजोन उसके कारण भी वो होता है, डिफेक्ट होता है ओजोन के ऊपर, CO कार्बन मोनोक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड जो है वो इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाड़ियों के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण, तो ये सब चीज़ें हैं। और इनका उपाय एक ही है कि आप इको फ्रेंडली चीज़ें आप यूज़ करें, पॉलीथीन पे ऊपर आप सोच ले कि हाँ मुझे पॉलीथीन यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत हानिकारक होता है पॉलीथीन, कार्बन मोनोक्साइड, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए, आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या को बदलिए, पैदल चलिए, साइकिल का यूज़ कीजिए,
जहाँ डस्ट हो रहा है वहाँ तो सरकार कहीं ना कहीं नहीं वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम चला ही रही है। जैसे आप देखते होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अभी हवा में जो डस्ट है उसको नीचे लाने के लिए गाड़ियाँ से पानी स्प्रे करती है जिसके कारण डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो सरकार अभी इनिशिएटिव ली है। जी सरकार की जो पहल आपने बात की, भारत में कई पहल किए जा रहे हैं वायु प्रदूषण और अन्य जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए, तो क्या ये जो पहल रहे हैं क्या वो सफल हो पाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सफल की बात करें तो उतना तो अभी आपको इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि हाँ क्या किस लेवल पे वो अभी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वो स्टार्ट हुआ है, उतना ज़्यादा उसका परिणाम अभी मिल नहीं रहा होगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे उन सब चीज़ों का प्रभाव आपको फ्यूचर में दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप देखिए, आप यूज़ कीजिए, प्रमोट कीजिए, गवर्नमेंट भी है उस पर सब्सिडीज़ लाती है ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा ले, सीएनजी की प्राइसेस भी कम है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार भी लाई है कि हाँ आपको उस मात्रा में ही इमिट करना है जिस पे एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाए, एक्यूआई इंडेक्स कम हो जाए। आपने नोटिस किया होगा कि जब लॉकडाउन लगा था कोविड के कारण, तो इन सब टाइम में गाड़ियाँ कम चलती थी, एक्यूआई इंडेक्स गुड से बेटर पे पहुँचा हुआ था, 50-35 इन सब चीज़ों पे था। लेकिन वहीं जैसे लॉकडाउन खुला, लोग घूमने फिरने लगे, गाड़ियाँ चलने लगी, इंडस्ट्रीज चालू हो गई, वापस से फिर वहीं से एक्यूआई इंडेक्स फिर से बढ़ के अपना परम सीमा पे पहुँच चुका था। उत्कर्ष जी, मनुष्य को तो परेशानी होती है, कहीं ना कहीं जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है इस वायु प्रदूषण उसको लेकर, जानवरों को किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा। जानवरों में भी जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा भी सिस्टम वही है जो जानवरों में है जी। हम थोड़ा कम सह पाते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा सहते हैं, पेन उन्हें भी होता है, लेकिन जो पेन वो बर्दाश्त करते हैं, जो तकलीफें वो सह लेते हैं, वो हम आम मनुष्य नहीं सह पाते हैं। तो उन्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके भी लीवर पे इफेक्ट आता है, उनके भी जो लंग्स है उन पे भी इफेक्ट्स आता है, पोल्यूटेंट्स मिलते हैं। जब आप देखोगे कभी कभी इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे, आप डॉग्स की बात करें तो सुस्त पड़ जाते हैं, गाय भी आप देखोगे वो भी सुस्त पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत ज़्यादा जलन होती है जो हम लोग नहीं सह पाते। उनके लिए ये सब चीज़ें हैं जो बहुत परेशानी होती है, उन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। जो चीज़ें हमारे साथ होती है सारे ट्रीटमेंट्स उनके साथ भी सेम टू सेम होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं जानवरों में भी और हमारे पे भी। उत्कर्ष जी, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पहले भी आपने इस चर्चा में बात कही कि जो वहाँ से गैस निकलते हैं, जो पदार्थ वहाँ से निकलते हैं उसकी वजह से भी जो है वायु प्रदूषण होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ख्याल है आपका? इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप खाद्य पदार्थ में भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी, आप सारी जगहों पर आप जाइए किसी भी इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन होना ही है किसी ना किसी तरह की। कुछ ना कुछ चीज़ें जलती हैं, बर्बाद होती है, उसे वेस्ट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है किसी ना किसी तरह। लेकिन हाँ सरकार है, सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है, इंडस्ट्रीज़ पे भी जोर देती है कि हाँ आप कम से कम प्रदूषण का, आप पोल्यूट कर भी रहे हैं तो आप ऐसा आप सिस्टम लगाइए, ऐसा टेक्नोलॉजी लगाइए कि जो आपका पोल्यूटेंट्स है वो आपकी इंडस्ट्री में ही बैठ जाए, किसी चीज़ से फिल्टर होकर वापस वो शुद्ध हवा बन जाए। अगर आप बात करें कि हाँ इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, तो क्या पता आप 4-5 साल बाद अपने आप को आप पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके और एक मास्क लेके आप घूमते दिखेगे अगर आप ये सब चीज़ों पे कमी आप नहीं करोगे। बस यही सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको खुद से। एक और टेक्निक, एक और शुरुआत की गई थी, पहल की गई थी कि जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, तो कुछ शहरों ने ये चालू किया था कि ऑड इवन गाड़ियां, इस तरह की तक जो टेक्निक है वो शुरू किए गए थे, लेकिन क्या वो जो तकनीक जो इस्तेमाल की गई थी क्या वो सफल रही थी, किस हद तक लोगों ने इस पर अमल किया था? जैसा कि आपने बात किया, विकास जी हमसे पूछा कि ऑड इवन जो है बहुत राज्य में चलाई गई, उसकी क्या आपको क्या रिज़ल्ट मिला, तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं अच्छा ही था, पॉजिटिव था, रिस्पांस सही था, लोग पालन करते थे, लोग जागरूक हुए थे कि हाँ थोड़ा सा हमें भी इसमें सहयोग देना चाहिए, सरकार कितना ही करेगी, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे इन सब चीज़ों में तब तक सरकार आपको आपसे कुछ करा ही नहीं सकती और ना ही कुछ चेंज कर सकती है। तो ऑड इवन सक्सेसफुल रहा है बहुत सारे राज्यों में। आप उस टाइम देखें तो
AQI इंडेक्स लाइक 40-50 पॉइंट तो कम से कम घटा ही था, डस्ट भी, स्मोक्स भी, ये सब चीज़ें कम हुई। दिल्ली की बात करें तो ठंड में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, तो ऑड इवन से ये फ़र्क पड़ा था कि हाँ चीज़ें साफ क्लियर दिखती थी, विजन्स थे अच्छे थे। मैं इसे सफल अभियान तो मानूंगा कि हाँ ऑड इवन सफल हुई थी। उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखने को मिलती है, लोग अभी भी पूरी तरह जागरूक नहीं है ये जो प्रदूषण है और आगे कितनी हानि पहुंच सकती है हम अगर यूं ही जो अपने वातावरण को प्रदूषित करते रहेंगे। तो अगर जागरूकता की बात की जाए तो और हम किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्या कमी अभी है जिसकी वजह से लोग अभी भी जागरूक नहीं है, उस पर आप थोड़ा बताएं। जी, कमी की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशिएटिव हम लोग कम ले रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे लोग, हाँ अब सोसाइटी की बात करें तो लोग वहाँ पे पॉलीथीन अपना यूज़ करना बंद कर दिया, उन्होंने एक नोटरी निकाला कि हाँ आप इस सोसाइटी में आप पॉलीथीन का यूज़ आप नहीं कर सकते, तो जागरूक उनसे भी कर रहे हैं। लोग ये बोलते हैं कि हाँ अब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, अब जितना इको फ्रेंडली चीज़ें आप यूज़ करो, ये सब चीज़ों को प्रमोट करने में कुछ लोग लगे, लेकिन कुछ लोग के लगने से असर तो उतना दिखने वाला है नहीं, आपको ही पता है पॉइंट में असर दिखेगा। वहीं अगर हाई स्केलिंग कर दिया जाए उन सब चीज़ों में, थोड़ा सा एडवर्टाइज़ किया जाए, थोड़ा सा पेपर में अच्छे से प्रसारित किया जाए कि हाँ ये सब चीज़ें आप जो हैं कीजिए ताकि आपके भविष्य को वो उजागर करे, आपको आगे सांस लेने में दिक्कत ना हो, आपके बच्चों को दिक्कत ना हो, आपको रहने में दिक्कत ना हो, बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। आप दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए आपको कितना ज़्यादा हानि वो चीज़ करता है, क्योंकि एसी से जो निकलता है इमिशन ओजोन को डिप्लेट करता है, ओजोन डिप्लेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ती है, पोल्यूशन होता ही है, तो वो सब चीज़ें अब आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, स्किन की डिजीज अच्छी खासी हो जाती है, रैसेज आप देखोगे गर्मी में पोल्यूशन के कारण ही वो सब चीज़ें होती है। जी, अगर हम भविष्य की बात करें, अगर जिस तरह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, भविष्य की बात करें तो भविष्य में कितना मुश्किल हो सकता है हमें, जो हमारा जीवन है वो व्यतीत करना कितना मुश्किल हो सकता है इस प्रदूषण के कारण, क्या क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है? भविष्य की बात करें तो हानि तो है आपको, जो अभी आप नॉर्मल जिसको अभी मैंने बताया कि हाँ वो माइनर चीज़ें हैं, आँख में इचिंग, नाक से सांस लेना, डस्टिंग होना, आपको छींक आना, गर्दन में खराश आना, ये सब चीज़ अभी ये माइनर है। अगर ये कंटिन्यू रहा, सेम कंडीशन अगर रहा, तो ये सब चीज़ें मेजर हो जाएंगी, और मेजर जब होंगी तो आप अपनी आँख की रोशनी खो दोगे, आप सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपके लंग्स के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, आपका लंग्स कहीं ना कहीं सिकुड़ जाएगा डस्ट पार्टिकल से। अब बात करें हार्ट की, तो हृदय में भी बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, आपको बीपी का प्रॉब्लम होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो माइनर चीज़ें मेजर हो जाएंगी अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही हमारे पास। तो इन सब चीज़ों में है कि कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की मात्रा आपको ही पता है कि धीरे धीरे कम होते जा रही है, परसेंटेजेस कम होते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में रोक लगाइए। भविष्य अगर आपको उज्जवल करना है, अगर आपको अच्छे से रहना है भविष्य में, तो आप इको फ्रेंडली हो जाइए, इको फ्रेंडली जैसे होइएगा पॉकेट फ्रेंडली आप जैसे मैंने बोला वो तो हो ही जाइएगा आप। उत्कर्ष जी, हमने मनुष्य की बात की, हमने जानवरों की बात की, वृक्ष की अगर बात करें, पर्यावरण की बात करें प्रदूषण की, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा लोग पेड़ काटने में लगे हैं, लोग वृक्षारोपण की कमी, लेकिन अब जो है वो पहल धीरे धीरे भारत में धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, सरकार ने भी कई स्कीम उसके अंतर, मैं चाहूँगा इस पर आप बताएँ कि किस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी विकास जी, आपने सही बोला, वृक्ष तो आए दिन काटे जा रहे हैं और उसको मनुष्य के यूज़ में लाया जा रहा है, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि उसके कारण दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। जब वृक्ष नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा कैसे, ना जो आप पॉल्यूटेंट्स जो आप इमिट कर रहे हैं वो कैसे वो चीज़ साफ़ होंगी, कैसे वो फिल्टर होगा। अल्टीमेटली आप कितना भी चीज़ आप बना बनाया आप यूज़ करो, मैन्युफैक्चर यूज़ करो, नेचर अगर उसे अच्छी तरीके से फ़िल्टर नहीं करेगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने ही वाली है। आप कितना ही एयर प्योरीफायर यूज़ करोगे, जितना प्योरीफाई आपका ये पेड़ पौधा करता है जिसे आप काट देते हो, आप यूज़ में लाते हो, ये आपको ही इफेक्ट करने वाला है। आप अपने यूज़ के लिए कर रहे हो, आप अपना चीज़ देख रहे हो, लेकिन सामने वाला को क्या दिक्कत होने वाला है इस पर आप जोर नहीं डाल रहे हो, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जहाँ तक बात की जाए वृक्षारोपण की, तो वृक्षारोपण के लिए बहुत सारे NGOs हैं, सरकार उसके साथ मिलके वृक्षारोपण के कार्यक्रम चला रही है, पार्क्स में लगवा रहे हैं, रोड साइड लगा रहे हैं, सरकार थोड़ा सा उजागर भी हुई है, पेड़ पौधों को मार्किंग करके प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है कि हाँ इन
पेड़ों को काटना एक इलीगल चीज़ हो जाती है, आप इसे काट नहीं सकते। थोड़ा सा फॉरेस्ट का वो भी क्या बोलते हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है, फॉरेस्ट को एक्सपेंड किया जा रहा है। आप एयर ब्रीड एयर सीडिंग आप बहुत सारे एनजीओज वो करती हैं, एक सीड लेती है उसे हवा में फेंकती है फॉरेस्ट में जाकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम उसे जब कंडीशन मिलता है तो पेड़ पौधे में वो डेवलप हो जाते हैं। तो एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, क्लीनिंग ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन, इन सब चीज़ों में सरकार मदद भी करती है और इनिशिएटिव भी लेती है। बहुत सारे सरकारी संस्था भी हैं, जैसे कि बात कर लें, हाल फिलहाल में एक एनजीओ है, उन्होंने पीएमसी के साथ मिलकर वृक्षारोपण की बहुत सारी प्रोग्राम किए, बहुत सारे जगहों पे पेड़ पौधे लगाए, ऑलमोस्ट 100 से 200 पेड़ पौधे तो मेरे जानकारी में अभी उन्होंने एक दिन में लगाए थे जी। कई ऐसे संस्था हैं वो देखने को मिले हैं जो स्कूल के बच्चे हैं उनके स्कूल के साथ जुड़कर और बच्चों को सिखाते हैं कि वृक्षारोपण कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। तो ये शिक्षा, ये जागरूकता अगर स्कूल से ही शुरुआत हो गई तो शायद आगे चलकर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सब जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको रोकने में सफल हो पाएंगे। जी विकास जी, आपने बात तो सही कहा। हाँ, अगर स्टार्टिंग से ही बच्चों में अगर हम लोग जागरूकता ला दें तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। बच्चे खुद तो करेंगे ही, सामने अपने दोस्तों को प्रमोट करेंगे, सामने घर वाले फैमिली को कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में वो लाएंगे कि हाँ आप भी मुझे इन सब चीज़ों में बढ़ावा दें, पौधे लगाने में, जहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई रखने में, ये सब चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ती है। फ्यूचर वही है, हमारे बच्चे ही हैं, कहीं ना कहीं युवा जो है वहीं आगे बढ़ाता है देश को और वहीं बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, यूथ ही पावर है। तो अगर आप बच्चों से ही आप वो सब चीज़ें डेवलप कर देते हैं कि हाँ वृक्ष बचाना है, वृक्ष को काटना नहीं है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाना है, आप पेड़ पौधे लगाओ घर में, स्कूल्स में अगर प्रोग्राम चलाए जाते हैं किसी एनजीओज या संस्था के थ्रू, सरकार के थ्रू, आप उसे ज्वाइन करो, इनिशिएटिव लो, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो बच्चे तो भविष्य हैं, ये आपको ही पता है, तो अगर आप उनमें ही सीडिंग कर दें, स्टार्टिंग से ही उनके दिमाग में डाल दें तो वो कहीं ना कहीं काम आते। वायु प्रदूषण की बात चल रही थी, और भी कई प्रदूषण, जैसे हम जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल हम बाहर कहीं भी फेंक देते हैं, हम कूड़ेदान में नहीं डालते हैं या वो कहीं भी पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी कई जो चीज़ें हैं जो पर्यावरण है वो दूषित होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं आजकल? लोग तो सीरियसली किसी चीज़ को जब तक उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े तब तक वो सीरियस नहीं होते हैं। जैसे बहुत पहले ही बोला गया था कि आप नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, आपको आए दिन आप फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा दुष्परिणाम मिलने वाला। आप दुष्परिणाम आप देख ही सकते हैं, जो कोरोना है वो क्या है, नेचर के साथ खिलवाड़ किया गया, उन सब चीज़ों के कारण वही चीज़ आप सह रहे हो। आप लगातार 2 साल से क्या तंगी चल रही है आपके ऊपर, आपकी जेब के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर क्या प्रेशर बना है, क्या हुआ है, वो आप देख ही रहे हो। तो नेचर से खिलवाड़ करना बहुत गलत चीज़ है। वेस्ट जैसे आपने बोला कि इधर उधर लोग फेंक देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आप फेंकते हो ठीक है, चलो ठीक बात है, लेकिन आप कहाँ फेंक रहे हो ये देखो, आसपास में एक लोकेलिटी है या खुला ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें आप फेंक रहे हो। बंजर ज़मीन में फेंकोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सड़ के गल के फिर वापस ज़मीन में चले जाएगी। लेकिन अगर आप सोसाइटी में फेंक रहे हो तो आसपास में दुर्गंध फैलेगा, जानवर जो आसपास में है उसे खाएंगे, खाकर बीमार पड़ते हैं। गाय की बात कर लो, हमेशा देखोगे आप कूड़े में ही मुंह लगाए रहते हैं, तो कूड़े में मुंह लगाते हैं तो अल्टीमेटली वो पॉलीथीन्स खाते हैं। पॉलीथीन्स आपको ही पता है वो कभी कहीं गलता ही नहीं है, किसी भी चीज़ में चला जाए वो किसी तरह से गलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसका अवशेष बच जाता है। तो वो सब चीज़ें जानवरों में इफेक्ट पड़ जाती है। अगर आप गलती से कहीं दिख गया जानवर जिसका तबीयत खराब हुआ, उसको सर्जरी की नौबत आ गई, आप उसका सर्जरी कराने जाओगे तो उसके पेट से भरा हुआ ऑलमोस्ट 2-3 kg कूड़ा निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि आपने कूड़ा को सही जगह नहीं फेंका, कूड़ेदान में नहीं फेंका। आपके घर गाड़ियाँ आती है, आप उसे इग्नोर कर देते हो कि हाँ चलो बाद में कभी हम कूड़े जाके बाहर ही फेंक देते हैं, क्या ही दिक्कत होगा, लोग आएंगे उठा के लेके जाएंगे, सड़ गल के वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें गलत है, आप फेंकते हो प्रदूषण फैलती है उससे भी। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी इन सब चीज़ों में जागरूक होना, इधर उधर कहीं ना फेंके, कहीं ना थूके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों से सामने वालों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है। जी, आपने कोरोना काल की बात की, उस वक्त में और अब में काफ़ी परिवर्तन देखने को, जो पर्यावरण उस वक्त और जो जो मौसम था उसमें परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि गाड़ियां कम चल रही थी, गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो रहा था या ना के बराबर हो रहा था, तो
कितना अंतर पहले और अब में देखने को मिला? पहले और अब की बात करें तो बहुत अंतर दिखा है। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, गाड़ियां नहीं चलती थी तो प्रदूषण कम होते थे, आप खुले हवा में, आप छत पे जाकर बैठकर अच्छी सांस ले सकते थे, अच्छा हवा मिलता था आपको। अगर आप लेटे हो तो आसमान में दिखने पे आपको तारे भी यहाँ तक दिखते थे, जो कि इन सब चीज़ों से पहले, गाड़ी बंद होने से पहले, इमिशंस जो इतने ज़्यादा थे उनके कारण आप अपने सेलेस्टियल बॉडीज़ को नहीं देख पाते थे, तारे चाँद ये सब विजिबल भी नहीं होते थे। तो एक यू आई इंडेक्स जैसे कम हुआ, पोल्यूशन कम हुआ, ओजोन अच्छा से भरा, थोड़ा सा तो हील हुआ ओजोन, आपको ही पता है 2 साल काफ़ी बड़ी बात है कि हाँ आप पोल्यूशन कंट्रोल किए, तो इफ़ेक्ट तो पड़ा। और आज की बात करें तो वापस वही चीज़ें बैक टू बेसिक्स आ रहे हैं। जैसे पहले हम सांस लेने में दिक्कत होती थी, मास्क लगा के पहले भी चढ़ते थे हम लोग, मास्क का यूज़ बढ़ गया, आपको तो अब आदत हो गई है कि हाँ मास्क यूज़ करना ही है। तो ये सब क्या परिणाम है? पॉल्यूशन का ही परिणाम है। और हवा दूषित होगा तो आप दूषित होगा, और आप दूषित हो गए तो सामने आपके घर परिवार वो सारे लोगों को इफेक्ट पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। वायु प्रदूषण की बात चल रही है, कहीं ना कहीं नवजात शिशु को तो परेशानी होती है, बुजुर्गों को भी कई परेशानी होती है, पहले और अब के स्वास्थ्य जो संबंधित समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण अगर माने तो प्रदूषण ही है, वायु प्रदूषण, उसके अलावा और भी कई प्रदूषण है जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, जो हम पुराने समय में देखते हैं और अब के समय में देखते हैं, या हम शहर के इसमें देखते हैं और गांव के संदर्भ में देखते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? शहर और गांव की अगर आप बात करें तो गांव में आप देखोगे कि जो मजदूर है, जो फिज़िकल वर्क सबसे ज़्यादा कर रहा है, टहल रहा है, सामान उठा रहा है, काम कर रहा है, मतलब अपना शरीर को यूज़ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ आपको दिखेंगे। और शहर में बात कर लो, शहर में क्या होता है, लोग थोड़ा दूर भी अगर सब्ज़ी लाने भी जाते हैं तो पैदल चल के नहीं जाएंगे, या तो स्कूटी उठा लेंगे या तो अपना फोर व्हीलर उठा के जाएंगे। तो आप फोर व्हीलर उठा के जा रहे हो अपने लिए, और वापस आपको ही इफेक्ट पड़ रहा है। कर्म आप जैसे जानते हो, आप जैसा कर्म करोगे भोगोगे आप ही, जैसा भोगोगे वैसा पाओगे। तो वही चीज़ आपको दिख रहा है, आप कर रहे हो वो सब चीज़ें और लगातार ही करते जा रहे हो। आप गाँव की बात करो तो गाँव में लोग खेती करते हैं, सामान वगैरह इधर उधर, पैदल बहुत दूर दूर तक 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी लाने महिलाएं जाती हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों में, तो वो हमारे से ज़्यादा फिट होती हैं क्योंकि वो फिजिकली काम कर रही हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा देख के कहीं ना कहीं अपना काम नहीं करना, हाँ हमें आलसीपन हो जाता है और हम लोग गाड़ी उठा के निकल लेते हैं। जी जी जी, कई और तरह की दिक्कतें आती हैं, दुष्परिणाम की पहले ही बात हुई, और अब अगर दुष्परिणाम की बात की जाए और तो और किस तरह के दुष्परिणाम, जैसे अलग अलग गैस जो आप दिखेंगे हवाओं में वो उसकी वजह से, और कई ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखते भी नहीं हैं जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, आँखों को परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो जो हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना, मास्क अब तो पहनना बहुत ज़रूरी है, है ना, और कहीं ना कहीं वो प्रदूषण से भी बचाता है, तो इसको लेकर आप का क्या विचार है इस बारे में? गैस पार्टिकल और ऐसे कणों की बात करें जो हमें दिखते नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा नुकसान चोरी छुपे कर रहा है। गैस का जो नुकसान हो रहा है हमारे लीवर लंग्स के ऊपर कर रहा है, हमारे अंदर के सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं और जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, वो पेड़ पौधे जब हमारे आसपास ही नहीं रहेंगे, वो फिल्टर कैसे होगा, वापस वो ऑक्सीजन को कैसे कन्वर्ट करके हमें देगा जो हमें सांस ले पाए। तो पेड़ पौधों को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। आप ये कणों की बात करें जो हमें नहीं दिखती हैं, ये क्यों होते हैं? तो आए दिन कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड की खुदाइयाँ चल रही हैं, कोई ना कोई पुल बन रहा है, प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं, उसमें कोई वो राय नहीं है, उसको कम करने के लिए भी सरकार उस पर जोर लगाई हुई है। जो डस्ट पार्टिकल उन सब चीज़ों से निकलती है उसको डाउन करने के लिए वाटर गन्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स को वापस धरातल पे लाते हैं और वापस वो वापस ना जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। तो एयर गन्स हो गए, वाटर स्प्रिंकलर्स हो गए, जो मशीनें यूज़ की जा रही हैं वो कम तो कर रही है, लेकिन हाँ उनका इफेक्ट धीरे धीरे अभी दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा को दूषित कर दिया है और उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं और भुगतने वाले हैं कुछ सालों तक, जब तक हम जागरूक ना हों इन सब चीज़ों में। कहीं ना कहीं उत्कर्ष जी, इस चर्चा में एक चीज़ तो निकल कर आई, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, अगर हमें अपने स्वास्थ्य जो है उसको सही रखना है तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हमें उसको दूषित नहीं करना है,
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, खुद को भी सीखना है और हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग युवा हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज्ञान देनी होगी। अब हम जो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो उत्कर्ष जी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मेरा दर्शकों से यही एक विनती रहेगी कि हाँ, आप जो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, आप पॉलीथीन यूज़ करना बंद कर दें, उसके जगह पेपर बैग यूज़ करें। आप शॉपिंग के लिए जाएं, खुद का आप झोला लेकर जाएं जो कि इको फ्रेंडली है। गाड़ियों में घूमना थोड़ा कम करें, आप खुद से फिजिकली वर्कआउट करें, साइकिल्स का यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स भी आ चुके हैं, आप उसे भी ख़रीद लें अगर आपको चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यूज़ करें, अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप क्यों दूसरी चीज़ों और फॉसिल फ्यूल्स को जला लें और उनसे इमिशंस आपको आ रही हैं। यही संदेश मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा कि आप थोड़ा जागरूक होएं, इको फ्रेंडली आप खुद को डेवलप करें, घर में ऐसा माहौल बना दें, आपके अगर घर के ऊपर टेरेस, ओपन टेरेस है, आप उसके ऊपर गार्डनिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, बच्चों को सिखाएं अपने आसपास के कि हाँ, आपको ये प्रमोट करना है। उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को वायु प्रदूषण संबंधित सारी जानकारी प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए, और इतना अच्छा टॉपिक मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिला उसके लिए धन्यवाद आपको इन्वाइट करने के लिए। दर्शकों, आज के अंक में हमने बात की वायु प्रदूषण की, हमें पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है और संरक्षित रखना है, ये आज हमने चर्चा में जाना। हम कैसे वायु जो प्रदूषण है उसको रोक सकते हैं, उसके कारण और उसके निवारण की बात की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।